मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद भी कानपुर दक्षिण के मुख्य चौराहों पर टेम्पो ऑटो ई रिक्शा चालकों की अराजकता बढ़ती चली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि चौराहों से अतिक्रमण और अवैध ऑटो टेम्पो ई रिक्शा पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाए, लेकिन नगर निगम और पुलिस प्रशासन चौराहे से अवैध अतिक्रमण और अवैध स्टैंडों को हटाने की कार्रवाई मात्र खानापूरी करके की गई है। तो वही नौबस्ता चौराहा, बारा देवी चौराहा, किधवाई नगर चौराहा और सीटीआई चौराहे बर्रा बाईपास सहित दक्षिण के कई चौराहों पर ऑटो टेम्पो ई रिक्शा के चालकों की अराजकता खुलेआम देखी जा सकती है। ऑटो टेम्पो चालक खुलेआम भी चौराहों पर गाड़ियां रोककर सवारियां भरते हैं, जिससे लंबा जाम लग जाता है। चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा इक्का दुक्का चालान कर खानापूरी कर दी जाती है। तो वही नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश आया था कि 48 घंटे में जो चौराहों पर अतिक्रमण है और अवैध स्टैंड है, टेम्पो ऑटो और रिक्शा का जो अवैध स्टैंड है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हम आपको दिखा दें कहीं ना कहीं जो है 48 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी जो है चौराहों पर ना तो अतिक्रमण हटा हुआ है और ना ही जो अवैध स्टैंड चल रहे हैं वो भी ये हटाए गए हैं। हम आप बारा देवी चौराहे पर खड़े हैं, आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि जो बारा देवी से जूही जाने वाली सड़क है उस पर देखिए किस तरह से टेम्पो ई रिक्शा बीच चौराहे पर खड़े होकर जो है सवारियां भर रहे हैं और बिल्कुल भी इनको प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है और ये बेधड़क यहाँ पर सवारियां भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा ही नज़ारा पूरे चौराहे का है, यहाँ पर कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT